महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने नागपुर में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया। नागपुर के पालक मंत्री नितिन राउत ने गुरुवार को ऐलान करते हुए कहा कि शहर में 15 से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन होगा, यानी किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं रहेगी, सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानें खुली रहेंगी। आपको बता दें कि नागपुर में बुधवार को 1710 नए मामले सामने आए थे। 173 डेज बाद कोरोना के सबसे अधिक मामले एक दिन में आने का ये रिकॉर्ड है। नागपुर नगर निगम के बुधवार को कहा था कि कोरोना के नए मामले महिलाओं और 20 से 40 आयु वर्ग में लोगों में आ रहे हैं। नगर निगम प्रशासन ने कहा था कि लोग कोरोना को हल्के में ले रहे हैं। प्रशासन बोला, महामारी को हल्के में ले रहे हैं लोग। नागपुर नगर निगम के कमिश्नर राधाकृष्णन बी ने बुधवार को कहा था कि लोग महामारी को हल्के में ले रहे हैं, बिना उनकी मदद हम इस महामारी पर काबू नहीं पा सकते हैं। सरकार ने सभी आर्थिक गतिविधियां शुरू कर दी हैं। हम नहीं चाहते हैं कि पूर्ण लॉकडाउन लगाया जाए, लेकिन अगर हालात खराब होते हैं तो हमें लॉकडाउन का ऐलान कर सकते हैं। 14 मार्च तक जारी रहेगी पहले से लगी पाबंदी। नागपुर में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सरकार ने 14 मार्च तक नाइट कर्फ्यू लगाया हुआ है। सभी होटल, मॉल, रेस्टोरेंट और प्राइवेट ऑफिस को वीकेंड पर बंद करने का आदेश दिया गया है। हालांकि वीकेंड पर सिर्फ जरूरी सामानों की दुकानों को खोलने की इजाजत दी गई थी। अब कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। कोरोना वायरस और वैक्सीन से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।